इस वक्त हम मौजूद है साइत मुकाम गुलमर्ग की अफरवट पहाड़ी पर। अगर हम सतह समंदर से बात करें 14,500 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद है, क्योंकि इस वक्त अगर जून का महीना चल रहा है, यहाँ पर अभी भी बर्फबारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बर्फबारी का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ इस वक्त पूरे अगर हम अपने पूरे कंट्री की बात करेंगे, वहाँ पर जो है तप की गर्मी वहाँ पर महसूस की जा रही है। वही जो बाहर स्टेट से यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस वेदर का आनंद लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको सीधे गुलमर्ग की अफरवट पहाड़ी ले चलते और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या हिस्सा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और तपती धूप में जहाँ हम लोग रहते हैं यूपी से, अभी यहाँ पे आके बहुत आराम मिल रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ट्रैवल नहीं किया है तो एक बार ज़रूर आए और यहाँ पे एंजॉय करिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने को, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी सर्विस है। ये देखिए हमारे भाई हैं, ये हमारे गाइड हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे से सर्विस हमको दी है। जहाँ हम लोग होटल में रुके हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे से बोलते हैं। एक बार ज़रूर आइए जन्नत। बट व्यूअर्स के लिए एक मैसेज ज़रूर है, अगर आइए तो फेज़ टू मत मिस कीजिए। फेज़ टू मतलब जहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। फेज़ वन इससे थोड़ा कम, शायद 10,500 फीट की लोकेशन पे है। ओके, तो ये चीज़ मत मिस कीजिए। यहाँ पे जो स्नो है, ये आप नज़ारा आजकल के टाइम पे जून में नहीं देखोगे। खासकर मैं पंजाब से हूँ, मेरे साथ वाले यूपी से हैं, आजकल के टाइम पे 40 का टेम्परेचर चल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर देखिए क्लोज टू नेगेटिव ही है, बिल्कुल जन्नत है ये, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन अपना स्पेंड कीजिए, जून है, फैमिली टाइम चल रहा है, तो क्यों ना यहाँ ही आया जाए। और टूरिस्ट इतना मतलब इन्जॉय कर रहा है, यहाँ पूरा सीज़न चल रहा है, और यहाँ हॉस्पिटैलिटी जो है ये इतनी अच्छी है, जो मैंने आज तक बहुत ही कम ट्रिप्स में देखी है। मस्ट विजिट, आप प्लीज़ यहाँ पे आइए और यहाँ का नज़ारा देखिए। मेरा नाम शालिनी है, मैं जयपुर से हूँ। बिल्कुल हम वही गर्मी से भागते हुए यहाँ पर आए हैं। 45 डिग्री का वहाँ टेम्परेचर है और यहाँ पे शायद अभी 16 डिग्रीज है। और इस मंथ में भी यहाँ पे स्नो मिलना बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट हमने बहुत इन्जॉय किया वाइट स्नो को, हमने स्लेजिंग की है, हमने बाइक्स चलाई हैं, सो इट इज़ रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देशवासियों के लिए? मैं पूरे देशवासियों के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप कश्मीर आइए, आप कश्मीर को एक्सप्लोर कीजिए, ये भी आप ही के देश का पार्ट है। टूरिज्म इकलौता यहाँ का इनकम का सोर्स है, आप आए। और गोंडोला राइड यहाँ पे बेस्ट है, आप अगर इतनी हाइट पे पिट्ठू के थ्रू आएंगे तो दैट इज ऑल्सो अ नाइस एक्सपीरियंस, बट गंडोला से आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा एंड यू विल एक्सपीरियंस दी हाइट, और ऊपर आके आप जो उस एक्सपीरियंस करेंगे वो बहुत ही डिफरेंट होगा। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल।